शाओमी, ओप्पो, वीवो और हवावे एक यूनाइटेड फास्ट चार्जिंग स्टैंडर्ड तैयार करने जा रहे हैं। चीनी फ़ोन बनाने वाली कंपनीज तेज़ी से यानी फास्ट चार्जिंग करने वाली टेक्नोलॉजी की बात करें तो मार्केट में इस हवाले से फुकदान नज़र आता है। शाओमी और ऑनर की जानिब से 100 वॉट से ज़्यादा फास्ट चार्जिंग वाले फ़ोन तो लॉन्च किए गए, लेकिन एक बड़ा मसला ये है कि इन कंपनीज के माबैन अभी कोई भी मुतफिका चार्जिंग स्टैंडर्ड मौजूद नहीं। इसका मतलब यह है कि हर ब्रांड अपनी ज़ाती मलकियत वाली टेक्नोलॉजी बना रहा है। तहम जल्द ही ये तब्दील होने वाले हैं और शाओमी, ओप्पो, वीवो, हवावे और ऑनर मिलकर एक फास्ट चार्ज करने वाले नए स्टैंडर्ड को तैयार कर रहे हैं। यूनिवर्सल फास्ट चार्जिंग के उन्वान से एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि इन चारों कंपनीज ने किस तरह चार्जिंग टेक्नोलॉजी से मसाइल को हल करने के लिए एक इतिहाद तश्कील दिया है। दर्ज करदा अमूर में आला पैदावार की लागत शामिल है। चूँकि कंपनीज को फिलहाल इनफरादी सार्फीन के लिए मुख्तलिफ अज्जा तैयार करने पड़ते हैं, चार्जर्स के साथ कंपेटबिलिटी ना होना तवील मुदती ई वेस्टेज और काबिल तजदीद तवानाई पर भी बुरा असर डालता है। ताहम स्टैंडर्ड यूनिफाइड फास्ट चार्जिंग का मेयार इन सभी परेशानियों को भुला देगा। काबिल एतमाद और मुताबकत वाले यानी कंपेटिबिलिटी वाले चार्जर ढूंढना आसान हो जाएगा और इससे लागत भी कम हो जाएगी। फिलहाल इस बारे में कोई इतलात नहीं कि ये नया चार्जिंग स्टैंडर्ड कब सामने आएगा, लेकिन ये खुश आइंद अमल है कि इस पर काम का आगाज़ कर दिया गया है।